हेलो एवरीवन, सो यार फाइनली जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटियों का रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियों के बच्चों की इंक्वायरी जा रही है इसके रिगार्डिंग कि भैया ये लोग स्कैम कर रहे हैं। बहुत सारे कॉलेजेस बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत कर रहे हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान वगैरह, ठीक है। पर्सनली किसी का नाम तो मैं नहीं लूँगा, बहुत सारे कॉलेजों का जो कि क्या कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए उन लोगों ने अपने नोटिस के अंदर ये निकाला था कि हमारे जो चार्जेज है वो जस्ट लाइक 1000 रुपये है रजिस्ट्रेशन के, ठीक है। बाद में जैसे ही हमने एक कोर्स ऐड किया, दो कोर्स ऐड किया, पाँच कोर्स ऐड किया, 5000 हो गया। अगर मैंने 10 कोर्स ऐड किया तो 10000 चार्जेज हो गया। तो यार ये काफ़ी गलत है। अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहा है तो या तो इन लोगों को पहले ये बताना चाहिए कि अपना पहले कट ऑफ डिसाइड कर दे, राइट। तो उसके बेसिस पे कुछ करना चाहिए। अगर बच्चा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है देन ये जरूरी थोड़ी वो एक ही कोर्स के लिए अप्लाई करेगा, वो सारे कोर्स के लिए अप्लाई करेगा। उसको थोड़ी पता किस कोर्स में हो जाए, हो सकता है जिसने जो कोर्स छोड़ा उसी में उसका एडमिशन हो जाए, तो वो तो सभी कोर्स में अप्लाई करेगा ना। तो काफ़ी सारे बच्चों की कंप्लेंट्स आ रही है कि भैया ये कॉलेज वाले हर जस्ट लाइक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पैसे ले रहे हैं। जैसे हमने 10 कोर्स के लिए अप्लाई किया तो 10000 का बिल बना के दे देता है, 8 रुपये का QR कोड चलिए पे करिए, राइट। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। तो आज यार अपन बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के बारे में, कितना ज़्यादा कट ऑफ रहने वाला है एंड इसकी काफ़ी ज़्यादा क्वारी जी रहती है बच्चों की, स्पेशली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग गाइस, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काफ़ी कम ऐसे कॉलेज है जो कि BTech प्रोवाइड करते हैं। DU के अंदर एक कॉलेज है जो कि IT अवेनिक्स प्रोवाइड करता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में आपको BTech देखने को मिलता है। हेमवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर कैंपस एंड जस्ट लाइक हिमाचल कैंपस, जो भी कैंपस हो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है BTech कोर्सेज, राइट। और भी कुछ है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज काफ़ी सारे हैं जो कि BTech प्रोवाइड करते हैं, प्राइवेट भी काफ़ी सारे करते हैं, लेकिन हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ही कम ऐसे हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली जो जस्ट लाइक इतने साल अपने अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराते थे, काफ़ी का मेरे को नाम याद नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे कॉलेजेज हैं जो कि अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक सभी आप लोगों को बता दूँ कि अगर आपने अपनी फॉर्म के अंदर अगर यूनिवर्सिटियाँ ऐड नहीं की है देन सारे बच्चे जाके अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो है यूनिवर्सिटियाँ ऐड जरूर कर दे, जस्ट लाइक अनलिमिटेड यूनिवर्सिटियाँ ऐड करो अगर आपने एग्जाम दिया है तो, ठीक है। इसके साथ ही आपको सबसे बड़ी अपडेट दे दूँ, हमने COT काउंसलिंग प्लान लॉन्च कर दिया है। ओनली फॉर 1499 रुपये के अंदर आपकी पूरी टोटल, जब तक आपकी क्लासें स्टार्ट नहीं हो जाती, फुल टोटल काउंसलिंग कर देती है हमारी टीम, ठीक है। एक्सपर्ट ऑप्शन जो भी आपके पास, आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन होता है, गूगल मीट लाइव आपके फॉर्म भरे जाते हैं, साथ में आपके लिए जो भी सारा का सारा डिटेल डिस्कशन किया भैया आपका इसमें एडमिशन होगा कि नहीं होगा, इसका कितना कट ऑफ है एंड बिकॉज यार बहुत सारे कॉलेजों की फीस भी देनी पड़ती है, देन उससे बचने के लिए ओनली फॉर 1499 रुपये में जो है आप एक अच्छी सीट ले सकते हो, स्पेशली इन सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके साथ यार काफ़ी सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी हो रहा है, जी हाँ। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के कॉलेजेज हैं जहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो एटलीस्ट आपको 10 लाख से 30 लाख रुपीज़ तक मिल रहा है, वहाँ पे जो है डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है अभी, जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना है। तो अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया तो COT गाइडेंस प्लान में इनरोल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया, जरूर से जाके इनरोल कीजिए। उसके बाद यार आगे बढ़ते हैं अपन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का BTech कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ कितना जाएगा भैया। इसके साथ ही यहाँ पे जो सबसे अच्छा कोर्स हमको देखने को मिलता है, इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड फिजिक्स, इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स, उसके साथ आपको सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस एंड मेनी कोर्सेस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि डायरेक्टली COET के बेसिस पे मिलते हैं भाई, राइट। तो अब क्या करें भैया, हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा यार, ऑलमोस्ट जो गर्ल्स स्टूडेंट है उनके लिए फ्री है, उनसे फीस ही नहीं ले रहा। तो थैंक यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जस्ट हमारी गर्ल्स स्टूडेंट से फीस बिल्कुल नहीं ले रहे। तो जिन भी गर्ल्स स्टूडेंट ने CU हरियाणा अप्लाई नहीं किया है, तो पहले अगर आपने उस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट नहीं किया तो पहले आप जाएंगे COET.samrat.in, ठीक है। उस पर जाने के बाद वहाँ पे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को सेलेक्ट करिए, फिर हरियाणा की वेबसाइट पर आइए, ठीक है। सारे के सारे कोर्स के लिए अप्लाई कीजिए बिकॉज इट्स फ्री फॉर जस्ट लाइक SC ST PWD वालों के लिए, तो बिल्कुल पैसे ही नहीं ले रहा, वैसे और सभी से ज़्यादा पैसे नहीं ले रहा, सिर्फ 300 रुपये ले रहा है। तो आप सभी लोग जरूर से जाके अप्लाई करेंगे इसके अंदर, राइट। अब अपन यार बात करते हैं पिछले कुछ, अगर अपन सालों की बात करें, पिछले साल की अगर मैं बात करूँ या फिर इससे पिछले साल की अगर मैं बात करूँ, तो जो भी हमारे पेड मेंबर्स थे 2020 के अंदर ऐसा मोमेंट था जहाँ पे जो है सीटें भरी नहीं थी, ठीक है। लास्ट के अंदर यूनिवर्सिटी वाले कॉल कर करके बोलते हैं कि भैया एडमिशन करा लो, आपका एडमिशन कर दें, कि आप BVOC वगैरह तो ऐसे कोर्सेज आए थे मैनेजमेंट वगैरह के कारण,
ठीक है। लास्ट में क्या होता है, लास्ट के अंदर आपके स्पोर्ट एडमिशन के साथ पिछले साल फिजिकल एडमिशन भी होते हैं, ऑफलाइन बुलाते हैं। क्राइटेरिया इस बेसिस पर रहता है कि सीओटी वालों को फर्स्ट प्रेफरेंस, उसके बाद अगर सीटें नहीं बढ़ती है दैन ट्वेल्थ वाले बच्चे भी एनरोल कर सकते हैं डायरेक्टली, नो सीयूटी रिक्वायर्ड, ऐसा भी मोमेंट आता है। लेकिन इट्स डिपेंड ऑन द स्टूडेंट कि भैया कितने अप्लीकेशंस आए हैं, ठीक है। जस्ट लाइक हो सकता है फर्स्ट राउंड में क्लोज हो जाए सारी सीटें, राइट। उसके बाद अगर अपन बात करें यार सीएससी के लिए जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, मैं जस्ट लाइक नॉर्मल मार्क्स के बेसिस पे बता रहा हूँ, बिकॉज इस बार जो आपका जो क्राइटेरिया वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड इंजीनियरिंग के लिए बेसिकली पीसीएम देख रहे हैं ये लोग, और जनरल टेस्ट वगैरह वो कुछ नहीं ले रहे, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ऐसे ऐसे कुछ ले रहे हैं, ठीक है। तो जनरल वाले जो बच्चे हैं उनका यार 72 के आसपास तक सीएससी मिल जाता है, उसके 72 नहीं आई थिंक 78 के आसपास, और स्पोर्ट राउंड के अंदर तो काफ़ी कम 69 तक भी चला जाता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अपन राउंडिंग की बात करते हैं, जिन भी बच्चों के लो मार्क्स है उनकी एडमिशन की हम छोटी लेते हैं, इसलिए ओनली फॉर 1499 रुपये खर्च कर सकते हो। नीचे गूगल फॉर्म दिया गया, उसमें ज़रूर से एनरोल कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज हमारे पास एक्सपर्ट टीम है, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस भी है कि क्या सारा सीन है, कहाँ पे कितने लो मार्क्स पे एडमिशन हो जाता है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन जस्ट लाइक मस्ट फिल द गूगल एप्लीकेशन फॉर्म, ओके। जो भी स्टूडेंट बिलोंग करते हैं ओबीसी कैटेगरी से 70 के आसपास आपका भी हो जाता है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों का भी एटलीस्ट 60-55 तक हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। बीटेक सीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, जिन भी स्टूडेंट को मिल जाता है वो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि भैया वो वहाँ पर सीटें छोड़ दें, काफ़ी कम चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर अपन सीयूटी की बात करें यार, जो भी करीम बच्चे हैं उनका फर्स्ट प्रेफरेंस दिल्ली है, दिल्ली के बाद जेएनयू बीएचयू एएमयू, राइट। तो ये कॉलेजेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली एक काफ़ी अच्छा कॉलेज है, इसके साथ ही जस्ट लाइक दिल्ली के नज़दीक है, भेंदरगढ़ हरियाणा के अंदर सिचुएटेड है, राइट। एंड जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ यार इस एरिया की, तो ऑलमोस्ट अदर स्टेट की जो गर्ल्स होती है उनका सीयू हरियाणा के प्रति तो काफ़ी अच्छा रुझान है, लेकिन जस्ट लाइक हरियाणा स्टेट को ड्यू टू सम जो भी एक्टिविटीज होती है यहाँ पे, इतने सारे धरना प्रदर्शन एंड सो मतलब काफ़ी बच्चों का करेज कम रहता है, इस कारण हम हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग भी नहीं करते। एंड YMCA फरीदाबाद एक अच्छा कॉलेज माना जाता है हरियाणा के अंदर, फरीदाबाद का, राइट। उसके बाद ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स आर वेरी गुड, लेकिन जस्ट लाइक ये गुड़गांव वगैरह जो दिल्ली NCR वाली लोकेशन को छोड़ के और जो एरिया है उसको जस्ट लाइक मतलब अदर आई से ही देखा जाता है, स्पेशली पेरेंट्स के द्वारा जो कि अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, राइट। सो मैं तो इसमें क्या ही बोल सकता हूँ, ठीक है। एंड आई थिंक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इज़ द वेरी गुड, एंड ये जस्ट लाइक इसके दिल्ली के नज़दीक है थोड़ा, और यार सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड दिस इज़ वेरी गुड, वेरी सेफ फॉर ऑल द स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स। हाँ, आपको यहाँ पे जस्ट लाइक हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाती है, खाना भी अच्छा मिलता है, राइट। स्टूडेंट फीडबैक काफ़ी अच्छा है, ROE रेशियो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है, और भी काफ़ी अच्छा माहौल है, जैसे आप चिल करोगे अगर एडमिशन होगा तो, और एडमिशन तभी होगा जब आप हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे, और हमसे कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे, नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है उसको आप फिल कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और भी आपको किस कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए। जिन भी बच्चों को यूट्यूबर बनना है या फिर हमारे साथ काम करना चाहते हो, बिकॉज जस्ट लाइक आई स्टार्ट प्रेजेंट टाइम में स्टार्टअप, ठीक है, collegejankar.com, तो आई नीड जस्ट लाइक लार्ज फैकल्टी, ठीक है, इन द इंडिया, तो इनरोल इन इंडिया बिगेस्ट, हमारा देश बदल रहा है, सो जस्ट यू कैन इनरोल नाउ, फिल द फॉर्म, बिकम ए यूट्यूबर। नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है, कोई चार्जेस नहीं है, आपको पैसे भी देंगे हम, साथ में यूट्यूब पे बोलने का मौका भी मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपकी स्किल्स भी बढ़ेगी, अपने आप को ग्रो करोगे, लोग आपके पास जानेंगे, फोटो खींचेंगे, राइट। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।